subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लो ड्रायर हम लोगों को किस तरीके से बालों में करना चाहिए। और मैंने अपनी कटिंग की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। 2-3 दिन पहले मैंने चैनल पर उस वीडियो को डाला था। और अब मैं अपने बालों में करा रही हूँ ड्रायर। तो किस तरीके से हम लोगों को ब्लो ड्रायर करना होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कटिंग आप मेरी देख सकते हैं, कटिंग पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का ब्लो ड्रायर करना है। जैसे कि मैंने जो कटिंग कराई है ये बॉब कट है, तो बॉब कट में आपको इन टर्न वाला ब्लो ड्रायर करना होगा। और जब स्टेप कट हम लोग कराते हैं तो उसमें आउट टर्न वाला ब्लो ड्रायर होता है। और जब हम लोग अपनी यू शेप या कोई ऐसी शेप कराते हैं तो उसमें स्ट्रेट वाला ब्लो ड्रायर होता है। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने बालों में हल्का हल्का सा ड्रायर लगवाया। 80% बाल मैंने अपने ड्रायर करा लिए थे। और उसके बाद में देखिए, छोटे छोटे सेक्शन लेंगे हम लोग। और जो रोलर आता है, मतलब इंटर्न के लिए हम लोगों को रोलर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बालों को रोल करने के लिए रोलर हम लोगों के पास होते हैं, उसमें हमें बालों को फंसाना है अंदर की साइड से, और उसके बाद ऊपर से उसमें ड्रायर चलाना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं चला रही हूँ। बहुत ही सिंपल है करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। और कटिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हमारी कटिंग इंटर्न वाले हेयर कट है तो हमारा इंटर्न जो है वो ब्लो ड्रायर होगा। आउट टर्न वाला अगर हमारी कटिंग है तो हमारा आउट टर्न ब्लो ड्रायर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आप देख सकते हैं मैंने रोलर के बीच में बालों को छोटे छोटे सेक्शन लेके फंसवा रही हूँ मैं। और उसके बाद में अंदर से हम लोगों को रोलर लेना होता है, मतलब हम लोग जो रोलर है वो बाहर से नहीं लेंगे, अंदर से लेंगे। फिंगर की हेल्प से इस तरीके से फंसाएंगे रोलर के अंदर बाल। छोटे छोटे सेक्शन लीजिएगा, ज़्यादा बड़े बड़े सेक्शन मत लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। और इस तरीके से हम लोग अपने बालों में ड्रायर लगा देंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा, काफ़ी अच्छे टाइम तक चलता है और बहुत अच्छे लगते हैं बाल। तो इसी तरीके से मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो आप लोगों को दी हुई हैं, जिसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती हूँ और रियल वर्क दिखाती हूँ, जो मैं अपना खुद भी कराती हूँ और जो मेरे रियल क्लाइंट के ऊपर सारा काम होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही ईजी मेथड में। मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसे घुमा फिरा कर या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वे में नहीं समझाती हूँ। मैं सारी चीज़ों की कोशिश करती हूँ कि आप लोग ना बहुत ईजी मेथड से सीखें, क्योंकि जितना भी सिंपल तरीका आप लोग यूज़ करेंगे काम को करने में उतना अच्छा काम होता है। जितना भी हम लोग घुमा फिरा कर काम को करते हैं उतनी ज़्यादा हमें दूसरों को समझाने में भी दिक्कत आती है और काम करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन ले रहे हैं और कितने अच्छे से हम लोग जो है वो ड्रायर करते चले जा रहे हैं। मैंने अपने चैनल पर पहले भी काफ़ी बार ब्लो ड्रायर की जो वीडियो है वो शेयर की हैं डिफरेंट कटिंग में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने कटिंग की वीडियो भी बहुत सारी शेयर की हुई हैं अपने चैनल पर। ब्राइडल मेकअप शेयर किए हुए हैं, पार्टी मेकअप शेयर किए हुए हैं, रिंग सेरेमनी मेकअप शेयर किए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल, पार्टी हेयर स्टाइल, वेडिंग हेयर स्टाइल, गर्लिश हेयर स्टाइल, तो बहुत कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की रिव्यू करती हूँ मैं अपने चैनल पर। तो आप लोग मेरे चैनल को बहुत अच्छे से सर्च करिए। और जो लोग भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो और चैनल अच्छे से ग्रो करे। और आप लोग वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और आप लोगों को बहुत पसंद आता है। ख़ास तौर से आप लोगों को मेरा समझाना बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे सेक्शन हमने लिए और हम रोलर में फंसाते चले गए, उसके ऊपर से हम लोग ड्रायर लगाते चले गए और कितने अच्छे से इंटर्न ब्लो ड्रायर हमारा हो गया है। और आप लोग मेरे बालों को देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और इस बार मैंने अपनी कटिंग थोड़ी सी चेंज कराई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है अपने फेस के ऊपर, क्योंकि मेरे बाल ना काफ़ी दिनों से थोड़े लंबे ही रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं लेकिन रहते थे थोड़े लंबे। इस बार मैंने बहुत शॉर्ट में कटिंग कराई है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और इस कटिंग की वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि चैनल पर मैंने वो डाल दी है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उस वीडियो का, तो प्लीज़ एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से बातें करते करते पूरा जो ब्लो ड्रायर है वो हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पे मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।